नमस्ते संस्कृत आय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने वृद्धि संधि के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज हम वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक आपने जो है पिछले वीडियो में तीन संधियों के बारे में आपसे हमने चर्चा की थी। पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि के बारे में हमने आपसे चर्चा की, और गुण संधि में कुछ अपवाद के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। क्लियर। और आज हम आपके सामने वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप भी जुड़े और इसका अध्ययन करें। तो वृद्धि संधि, अब इसका जो है सूत्र क्या है, तो वृद्धि रेचि जो कि आपका ये संधि विधायक सूत्र है। संधि विधायक सूत्र है मतलब ये संधि का विधान करता है। क्लियर। और आपका है दूसरा वृद्धि रादैच ये आपका संज्ञा विधायक सूत्र है। क्लियर। तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा, वृद्धि रेच और वृद्धि रादैच। तो इनका जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आसानी से बन सकता है और आप एक नंबर आराम से ले सकते हैं। तो आपसे पूछिएगा संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपका वृद्धि रेचि है, और संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपका वृद्धि रादैच है। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम, आगे हैं जब वृद्धि रेच का जो हम अलग अलग इसका खंड करेंगे, तो एक आपका वृद्धि हो गया और प्लस एच का मतलब आपका एच प्रत्याहार। अब माहेश्वर सूत्र की यहाँ पर आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो एच प्रत्याहार हमने लिखा है, अब इसको हम आपको बता दें कि एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। ए ओ आई औ ये जो है आपके एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। क्लियर। और इनके बीच में जो है आपका, आपके पहले खंड में आपको बता दें, पहले खंड में आपका आ ऑब्लिक अ धन ए ऑब्लिक आई बराबर मिलके क्या होता है, तो आई होता है। और वहीं पर आपका दूसरा जो भाग है आ धन आ ऑब्लिक अ प्लस ओ ऑब्लिक औ, तो ये मिलकर आपके औ बनाते हैं। क्लियर। तो ये जो है ये आपका दूसरा खंड में आएगा और ये आपके पहले खंड में आएगा। क्लियर। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरणों को। अब यहाँ पर इसका पहला उदाहरण है, ध्यान से इसको समझते चलिए। पहला आपका है तथैव, पहला आपका है तथैव। अब इसका जब हम खंड करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा हम यहाँ पे ट्रिक बता दें कि हमेशा वृद्धि संधि में आपके ये जो मात्रा है, ये हमेशा इससे आप पहचान सकते हैं, दो इसके ऊपर किसी भी वर्ण के ऊपर दो चोटी लगी रहेगी, यानी औ का मात्रा लगा मिलेगा आपको, तो सीधा आप जान लीजिए यहाँ पे वृद्धि संधि है, और बाकी किसी में जो है आपका डबल ऐ की मात्रा मतलब औ की मात्रा नहीं मिलेगी। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं, और इसमें कुछ आपको करना भी नहीं है, बस आप इतना जानिए कि दो चोटी ऊपर जिसके हैं वो आपका वृद्धि संधि है। क्लियर। अब देखते हैं इसका खंड करते हैं तथैव का। तो तथा धन एव, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि पहले खंड में अ ऑब्लिक या बड़ा अ आएगा, तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने बड़ा आ आया, तो तथ धन आ, ये तथा में जो है आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा लगी है, तो हमने बड़े आ को अलग कर लिया, और दूसरे खंड में आपका एव है, तो एव में ए को हमने अलग किया और वा को अलग किया। अब देखिए वहाँ पर हमने लिखा था अ ऑब्लिक आ फिर प्लस ए ऑब्लिक आई, तो ये मिलाकर बनकर क्या बन जाते हैं, तो ये स्वरूप धारण करते हैं बड़े ऐ का। क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो ये मिलकर आपके हो जाएंगे और ए मिलकर आई हो जाएगा, और तथ प्लस आई प्लस वा, तो ये मिलकर आपका पूरा एक वर्ण शब्द बना देगा तथैव। तो ये आपके हमेशा ध्यान दिएगा, दो चुटिया इस पर लगे रहेगी, ऊपर इसके दो
जो है चोटी लगी रहेगी। आप सीधा जानिए कि वृद्धि संधि है, आंख मूंद कर मार दीजिएगा, गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना आप। अब देखते हैं आपका ठीक उसी हिसाब से आपका यथाइव है, इसको आप स्वयं करिए, इसका खंड करिएगा, क्लियर। और आपको और बता दें कि यदि आपको संधि नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम फिर से इसको और अलग अलग जो है शब्द को जो है हम लाएंगे और आपको बताएंगे फिर से। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मेहनत करते हैं भाई, लिखकर आपको हम मैटर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। तो अब चलते हैं, तीसरा आपका है जलौघ। अब देखते हैं, अब इसको जब हम अलग करेंगे, जल धन ओघ, जल धन ओघ। अब देखते हैं जल में आ लगा था तो जल को हमने अलग किया और आ को अलग निकाल लिया और उसके बाद आपका ओघ बचा, क्लियर। अब देखते हैं, अब आ और ओ, आ और प्लस ओ, ये मिलाकर आपको क्या बना देंगे, तो औ बना देंगे, क्लियर। तो ये जब औ बना देंगे तो फिर जल में औ जाके जुड़ जाएगा तो जल पूरा, ये जो हलंत लगा है ये पूर्ण हो जाएगा और फिर उसके बाद घा आपका जुड़ जाएगा तो फिर हो जाएगा जलौघ, क्लियर। ठीक उसी प्रकार से आपका है वनौषधि। तो वनौषधि में ठीक वही कंडीशन है, बने धन औषध। अब देखते हैं उसको हमने देखिए अलग किया और अलग निकाल दिया, औ को भी अलग निकाल लिया और सद ही आपका बचा। और उसके बाद फिर बन है, फिर बन आ और औ ये मिलकर आपके क्या बनाते हैं, तो औ बनाते हैं, ठीक ना। और फिर सधी, और फिर उसके बाद लास्ट में जब ये फिर मिलते हैं एक साथ तो ये बन पूरा एक कंप्लीट शब्द का निर्माण करते हैं वनौषध, क्लियर। अब आप समझ गए होंगे, दिक्कत होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्लियर। और अब आगे है आपका पांचवें नंबर पर अयाद संधि। अब इसके बारे में हम देखते हैं, तो अयाद संधि में आपका है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा। अब देखिए जो अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है यश के रूप में, इसको हम आ पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम आ पढ़ सकते हैं, तो एचो अय वाय आव, क्लियर। तो अब इसको हम खंड करते हैं तो एच, अब देखते हैं इसको निकालिए, देखिए हम एरो लगाए हैं, एच यानी एच प्रत्याहार, और उसके बाद आपका है एचो अय अय, फिर उसके बाद अव, और उसके बाद देखिए यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ से आपका अलग हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ऊपर से आपका यहाँ से इस सेंटेंस से अलग हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ से निकाले एच, फिर उसके बाद है अय, फिर उसके बाद है अव, ये वा में जो मात्रा लगी है उससे आपका निकलेगा अ, ठीक ना। और उसके बाद फिर वा से फिर हम मात्रा निकाल रहे हैं तो बनेगा आय, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ से हम मात्रा निकाल रहे हैं तो हो जाएगा आव, समझ में आई बात ना। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा इस सूत्र के माध्यम से। अब देखते हैं आगे, अब एच प्रत्याहार में जो है ए ओ आई औ आते हैं, तो क्रमशः जो है क्रमानुसार ए का होता है आय, ओ का होता है अव, ए आई का होता है आय और औ का होता है आव, क्लियर। तो अब देखते हैं इसके बारे में आगे इसके उदाहरणों को, अब देखते हैं इसका हमने पहला उदाहरण लिया है, एक मिनट इसको साथ साथ आप देखते चलिए ताकि समझ में आता जाए। अब देखिए हम पहला उदाहरण में लिया है क्रयणम यानी खरीदने से, तो क्रे धन अनम। अब देखते हैं, अब इसमें हमने क्रे में जो ए लगा हुआ है उसको हमने अलग किया, उसके बाद अनम है, अब यहाँ पर काप पर हमने हलन कर दिया क्योंकि जो है ए निकल लिया तो ये आधा हो गया। फिर क्रध, अब ए का जो है हमने क्या बताया, ए का आपका अय होता है, तो ही हमने ए का फिर हमने अय बना लिया, फिर उसके बाद अनम लिखा और फिर ये पूर्ण सेंटेंस पूर्ण शब्द बनाते हैं क्रयणम, क्लियर। और फिर उसके बाद आपका है दूसरा, हम एक सीरियल वाइज आपको लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आता चले। अब उसके बाद है भवनम, तो भोधन अनम,
अब भा को हमने हलन किया और भा में ओ निकाल लिया ओ, और फिर प्लस अनम। अब देखिए ओ का हमने क्या बताया, अव बताया, तो वो जो है आपका ओ जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बदलेगा किस में, अव में, और फिर उसके बाद अनम, फिर इसके बाद आपका पूर्ण एक शब्द बनेगा भवनम। अब आपको हम थोड़ा सा समझने का एक और तरीका हम बता दें, जैसे आपका ये आपको ना समझ में आ रहा हो कि ये कैसे निकल रहा है वाक्य शब्दों से, अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं क्रयणम, अब देखिए क्र का के बाद आ, आ का साउंड आ रहा है कि नहीं, पहले ध्यान दीजिएगा, क्र आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद आपका क्या है या है, तो क्रय आय, क्रय आय, तो या को हम लेंगे ठीक ना, तो क्रय में आ लग रहा है वो आ, और उसके बाद या, तो साउंड आपका क्रय आय, क्रय आय, तो बन रहा है, तो ए का जो है आपका क्या बनेगा, आय बन जाएगा। और उसके बाद ठीक उसी प्रकार का भवनम है, तो भवनम का कैसे बनेगा, तो भव भव, अब देखिए भा है, भा में आपका क्या लगा है, आ लगा है, जब हम आ लगा है तो आ को जब हम निकालेंगे तो भा आधा हो जाएगा, यानी ये व्यंजन वर्ण है, और जब ये हम निकाल लिया इसमें तो ये आ पूरा स्वतंत्र निकल आया, क्लियर। अब उसके बाद है वा, और उसके बाद वा बच रहा है, तो ये आपका वा जो है आपके पीछे आके लग जाएगा, क्लियर, तो ये आपका अव बन गया, ध्यान दीजिएगा भव अव भव अव, देख रहे हैं ना, साउंड मिल रहा है भा से ही आपको साउंड मिल जाएगा, इसे आप समझ सकते हैं कि मतलब ये आपका अयाधि संधि का है, तो ओ का क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपका है नायक, अब देखिए इसमें कैसे साउंड इसका निकल रहा है, नाय नाय आय नाय आय नाय आय, अब देख रहे हैं आप, अब देखिए इसके जब खंड करेंगे तो नय धन अक नय धन अक, अब देखते हैं जब ना को हम ना पे जो ए की मात्रा लगी हुई है, ए की नहीं ए की मात्रा, तो जो है ना जो है आधा हो जाएगा और ए जो है निकल जाएगा, और उसके बाद अकह बचेगा, फिर ना, फिर ए का क्या होगा, आय ए का आय होगा, तो ये आपका ए का जो बना आय, उसके बाद फिर अकह, और फिर ये जब जुड़ेंगे तो ना जो है आ जो है ना में चला जाएगा, तो पूरा सन कंप्लीट ना को पूर्ण कर देगा, तो ना हो जाएगा, और फिर आपका देखिए आय में हलंत है तो इधर आ जो है या को पूर्ण कर देगा, और कह आपका जुड़ेगा तो फिर बन जाएगा क्या, नायक, क्लियर। और आपका है चौथा आपका एतावपि, एतौ धन अपि, एत धन औ धन अपि, उसके बाद फिर चौथा कंडीशन आपका एत, अब औ का क्या होगा, आव एताव एताव, अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब ता के बाद जो है आपका क्या साउंड आ रहा है, आव एताव, पढ़िए आप एताव आव एताव आव, अब वही चीज़ आपका जो है ओ का जो क्या बना, आव, और फिर उसके बाद प्लस अपि, और फिर जब इसको जोड़ेंगे आप तो ये बन जाएगा एताव अपि, समझ में आई बात ना भैया। अब चलते हैं आगे, इसका परिभाषा हमने ऊपर ना लिखा, नीचे लिख दिए, इसको लिख लीजिएगा, तो ए ओ आई औ यानी एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ए आई ओ औ हैं, और औ के बाद कोई स्वर यानी अच आए तो ए के स्थान पर क्रमशः ए का आई ओ का अव, और उसके बाद है ए के फिर स्थान पर आय, फिर औ के स्थान पर आव होगा, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आपका है छठा संधि आपका कौन सा है, तो पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसका सूत्र क्या है, एंग पदांता दति एंग पदांता दति एंग पदांता दति एंग पदांता दति, पूर्व रूप संधि सूत्र एंग पदांता दति, तो ये जो है आपका पूर्व रूप का है जो है सूत्र, इसको आप गायन के माध्यम से इसको माइंड में सेव करने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ से आपकी जो है ये पूछ लेता है, और इसका जो पर रूप संधि है
पर रूप का भी इसी से कुछ मिलता जुलता है। उसका जो है सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र है आपका एंग पर रूपम, जो पूर्व पर रूप है उसका सूत्र है एंग पर रूपम। अब यहाँ पर एंग है और पर रूप में आपका एंग पर रूपम है, तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझते चलिएगा। तो पूर्व संधि का जो है सूत्र क्या होगा, इंग पदांता दति, इंग पदांता दति। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को, परिभाषा है इसकी, यदि पद के अंत में इंग यानी ए ओ, इंग प्रत्याहार के अंतर्गत आपका क्या आएगा, तो ए ओ आएगा। जैसे उदाहरण हम बाद में देखते हैं, पहले डिफिनेशन समझ लीजिए परिभाषा को। तो इंग प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण हो तथा बाद में ह्रस्व आ हो, तो ह्रस्व आ का अवग्रह जो है, ये आपका अवग्रह का चिन्ह है, अवग्रह हो जाता है और उसका रूप ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। फिर से देखिए, यदि पद के अंत में इंग प्रत्याहार का वर्ण हो तथा बाद में ह्रस्व आ हो, तो ह्रस्व आ का अवग्रह हो जाता है और उसका रूप हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण को। अब क्या कह रहा है कि इंग प्रत्याहार में आपका ए और ओ वर्ण आता है। अब देखते हैं, पहला ये है लिखा हुआ है हरेव। अब देखते हैं हरे धन अव, जब इसका हम खंड करेंगे तो हरे धन अव। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे आई की मात्रा आ रही है ना, देखिए आप ये पहले पद में आपका इंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आ रहा है, अब उसमें हरेव में आपका आई की मात्रा आ रही है, तो आपकी देख आपके सामने है। उसके बाद आपका है अवग्रह को हम चेंज कर लेते हैं, आ लिख लेते हैं, क्योंकि अवग्रह को हम आ लिखते हैं संस्कृत में, हम अवग्रह को हम आ लिखते हैं और अवग्रह को हम आ मानते भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद जब हम और खंड करेंगे तो हर राह आधा हो जाएगा और ये पूरा कंप्लीट निकल जाएगा, उसके बाद अव आपका बचेगा। तो फिर जब इसको हम जोड़ेंगे तो ए का मात्रा जो है रा पे चला जाएगा और रा कंप्लीट हो जाएगा, तो हरे हो जाएगा, और ये जो आ है इसमें ये आपका जो है अवग्रह में चेंज हो जाएगा और एक कंप्लीट शब्द जो है बना देगा हरेव। समझ में आई बात ना भैया। अब देख रहे हैं दूसरा है बिछड़ो अव, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कंडीशन है बिछड़ो धन अव। अब ये अब देखते हैं बिछड़, अब बिछड़ में रा जो है आधा कर दिए और ओ को हमने निकाल लिया बिछड़ो में से, और उसके बाद आपका अव होगा। फिर उसके बाद जब ये दोनों जुड़ेंगे तीनों, तो फिर आपका बिछड़ो अव हो जाएगा, क्योंकि अवग्रह में ये चेंज हो जा रहा है। क्लियर। और इसको हम थोड़ा सा आपको एक और ट्रिक बता दें, थोड़ा समझिएगा। जैसे ये पूर्व रूप में जो है, पूर्व में आपका ये ऊपर वाला जो रा हम लिखते हैं ये वाला, क्लियर, और इसी में हम जो है जब ऐसे घुमा दें तो ये आपका क्या बन रहा है, अवग्रह का चिन्ह बन रहा है ना, ध्यान दीजिएगा आप। जैसे ये आपका आपका ऊपर वाला रा है और इसमें हम जब एक और नीचे इसे घुमा दें तो ये आपका अवग्रह का चिन्ह बन रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से जब पूर्व रूप संधि का जो कोई भी रूप दे, तो आप सीधा सीधा जब जान लीजिएगा कि ऊपर जो है आपका रा बनाया है, तो नीचे जो है इसका एक और ऐसे आप जैसे उसका अपोजिट घुमा दीजिए, सीधा सीधा आपका जो है समझ में पकड़ में आ जाएगी, ये संधि जो है पूर्व रूप की है और आपका ये अवग्रह का चिन्ह जो है ये लगा मिलेगा। क्लियर। चलिए और ठीक, अब आपको आगे बता दें, आगे है आपका को अपि, को अपि ठीक उसी प्रकार से इसका भी होगा, को धन अपि, का को हम लंद कर लिए, का को से ओ निकाल लिए और ओ बचा और उसके बाद अपि है, तो फिर जब इसको हम जोड़ेंगे तो ए आ जो है अवग्रह में चले जाएगा और ओ जो है का में जुड़ जाएगा, तो को अपि तैयार हो गया। तो ये आपका को अपि एक पूर्व संधि का एक उदाहरण है, इसको आप समझ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो आप तुरंत हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में कहिएगा कि सर हम इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, इसके कुछ और वर्ण बताइए, शब्द बताइए, हम इसको पुनः आपको वीडियो आपके सामने रखेंगे। क्लियर। अब चलते हैं आगे, आगे है आपका पर रूप संधि, पर रूप संधि। अब इसको देखते हैं, इसका सूत्र है एंग पर रूपम, पर रूप संधि सूत्र आपका है एंग पर रूपम।
एंगि पर रूपम, एंगि पर रूपम, पर रूप संधि एंगि पर रूपम, पर रूप संधि एंगि पर रूपम। अब देखते हैं आगे इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। अवर्णांत, अवर्णांत मतलब आवर्ण के बाद यानी आवर्ण के अंत में, उपसर्ग उपसर्ग के बाद यदि एंग प्रत्याहार का वर्ण आता है तो वहाँ पर रूप संधि हो जाती है। यही कंडीशन आपकी ऊपर थी लेकिन वहाँ पर आपका अवग्रह का चिन्ह था, समझ रहे ना आप बात। तो वो चीज़ अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि जो है यहाँ पर अवर्णांत, ध्यान दीजिएगा उसमें आपके जो है पहले खंड में आपके ए और ओ आते थे, लेकिन ये आपकी जो ए और ओ हैं ये आपके दूसरे खंड में आएंगे, ध्यान से समझिएगा। ए और ओ आपके पहले खंड में आ रहे थे लेकिन अब यहाँ पर पहले खंड में आपका आ आएगा और दूसरे खंड में ए और ओ आएंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं इसके उदाहरणों को। प्रयजते, प्रधन एजते, अप्पा से हम जो है आ निकाल लिए, ए धन जते हो गया, और उसके बाद फिर जब ए को जो है हम पा में जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रे, और फिर ये जा जते जो है आपका एक मिलकर आपका प्रेजते बना लेगा, और उसके बाद आगे आपका उपोषति, उपधन, अधन, ओषति, और आ और ओ मिलकर क्या बनाएगा तो ओ बनाएगा, और फिर सती है, और फिर जब वो मिलेगा तो ओ जो है पा में जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा उपो, और फिर आपका सती आपके जुड़ जाएगा पीछे, उपोषति आपका पर रूप संधि के हिसाब से आपका ये मैटर आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब उसके बाद तीसरा नंबर है, उसके बाद अवेह, अवेह ध्यान दीजिएगा। अवेह में अब देखते हैं अव धन आ धन ए, क्लियर। अब अव में जो है हमने आ निकाला और ए आपका एक अलग वर्ड हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो जब जो है फिर आ जो है माफ कीजिएगा आई, आई जो है आपका जब वापस जाएगा तो ये आपका कंप्लीट बनाएगा, और ही जो है आपका जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अवे, क्लियर। तो ये आपका शब्द था अवेह, जो कि पर रूप संधि का है और सूत्र इसका है एंगि पर रूपम, क्लियर। अब देखते हैं आगे आपका है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का जो है सूत्र क्या है, तो प्लुत प्रगृहिया अचिनित्यम, प्लुत प्रगृहिया अचिनित्यम, प्लुत प्रगृहिया अचिनित्यम। अब देखते हैं इसके आगे, इसमें कुछ विशेष हमने स्टार बना के लिखा है। यदि प्लुत स्वर के बाद यदि कोई स्वर आए तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है। यदि प्लुत स्वर के बाद कोई, माफ कीजिएगा, यदि प्लुत स्वर के बाद कोई ओ स्वर आए तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होगा। वैसे आपको बता दें प्रकृति भाव संधि में प्लुत स्वर बहुत ही कम मात्रा में, जान लीजिए कि 1% में से आपके इसके उदाहरण मिल जाए तो ताजुब की बात है। वैसे आता नहीं है प्लुत स्वर का प्रकृति भाव में, लेकिन हमने एक उदाहरण इसका हमने लिखा भी है, हम आपको आगे बता देंगे। तो फिलहाल इसकी एक परिभाषा को समझते हैं। यदि पद के अंत में प्लुत स्वर हो, पद के अंत में प्लुत स्वर हो, अभी हम प्लुत की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम प्लुत की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रगृह अचिनित्यम की बात करेंगे, पहले आप प्लुत को समझिएगा। यदि पद के अंत में प्लुत स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो, पहले आपका प्लुत स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो, वहाँ पर नित्य रूप से प्रकृति भाव संधि होगी। जैसे अब आपके सामने है उदाहरण में लिखा है आगच्छ कृष्ण अत्र गौचरत, तो यहाँ पर देखिए आपने, हमने तीन का निशान बनाया, ये तीन आपका जो है क्या है, ये आपका आज जिसमें जो है तीन गुना समय लगे, किसी भी शब्द को बोलने में तीन गुना का समय लगे वहाँ पर आपका प्लुत स्वर होता है। हिंदी में आप पढ़े होंगे आपकी जो है स्वर व्यंजन, उसमें आपको पढ़ाया गया है आपका प्लुत स्वर, तो प्लुत का जो है निशान आपका ये है, और ये इसका एकमात्र केवल उदाहरण है ओम, समझ रहे ना, इसका एकमात्र उदाहरण है ओम। तो ये आपका जो है तीन जो लिखा रहता है ये आपका तीन गुना समय लगता है, क्लियर। तो अब देखते हैं आगे,
आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो ये आपका जो यहाँ पे कृष्ण है, ये आपका जो है क्या है, आपका प्रकृति भाव संधि यहाँ पर समाहित है, लेकिन ये आपका आता नहीं है, परेशान नहीं गए, मात्र 1% की उम्मीद है कि ये आ जाए, लेकिन यदि आएगा तो इसी तरह एक सेंटेंस के रूप में आएगा, ना कि आपका शब्द के रूप में आएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, क्लियर। और अब हम आगे चलते हैं, अब आपको आगे बता दें प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा अब इसको देखते हैं हम। अब इसी से आपका जो है आपके प्रश्न में आपके एग्जाम में प्रकृति भाव के संधि की जो है शब्द यहीं से मिलेंगे, क्लियर। अब इसका एक सूत्र है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम। अब देखते हैं इसमें, अब ध्यान से समझिएगा, हमने जो है दा को ता बनाया, क्योंकि ये ता वर्ण का जो है तीसरा वर्ण है, तो ये आपके पहले वर्ण में परिवर्तित होता है, तो ई तो हो गया, फिर दू में ऊ लगा है, बड़ा ऊ, ये आपका ऊ तो हो गया। अब ये यहाँ से आप ऊ से ऊ निकाले और दा को फिर हमने चेंज किया ता में, तो ये जो है आपका ऊ तो हो गया। अब फिर दे में जो है आपका आई लगा है, आई की मात्रा, अब वहाँ पर हमने ए आगे लिखा, एत लिखा, अब फिर ए लिखा, और उसके बाद फिर आपका दा है, दा को फिर हमने ता बना लिया, तो ये आपका ये होगा एत, क्लियर। तो ईदु दे द्वि वचनम, यानी ये जो हमने हलंत वाला जो ता ता हमने तीनों में लिखा है, इसको जो है हलंत हलंत लोपे सूत्र से जो है इसको हमने इसको लोप कर दिया, इसको हमने कट कर दिया, तो आपका क्या वर्ण बचा, ई ऊ ए, क्लियर, ई ऊ और ए, तो ये आपके वर्ण बचे, क्लियर। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को, यदि किसी पद के अंत में दीर्घ ई ऊ ए तथा द्विवचन का रूप हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, ई ऊ ए तथा ये द्विवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, इसके बाद कोई स्वर आता है, यानी ये आपके पहले खंड में होंगे, यानी ये आपके पहले खंड में होंगे ई ऊ और ए, और इनका जो रूप होगा वो आपका द्विवचन में ही होगा, समझ रहे हैं ना आप। तो तथा आगे उसके बाद है, इसके बाद कोई स्वर आए तो उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है, वहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होता, संधि कार्य नहीं होता, और उनका रूप ज्यों का त्यों हम लिख लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप बात। तो अब देखते हैं इसकी उदाहरणों को, इसका एक कंप्लीट शब्द है हरि एतौ, तो इसका जब हम इसको खंड करेंगे हरि एतौ में, तो हरि और उसके बाद आपका प्लस एतौ हमने लिख लिया, और इनका में कोई आपका चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, हरि प्लस एतौ इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं है। और उसके बाद ठीक उसी प्रकार आपका नीचे वाला जो है शब्द है विष्णु इमौ, तो विष्णु इमौ का जो हम खंड करेंगे तो विष्णु धन इमौ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हरि में बड़ी की मात्रा है, ये देखिए, और विष्णु में आपकी बड़े ऊ की मात्रा है, ये देखिए, और उसके बाद है गंगे अमु, तो गंगे अमु में आपकी ऐ की मात्रा है, अब देखिए यहाँ पर, तो द्विवचन का रूप हो जाता है। तो ये आपका ये प्रकृति भाव संधि का जो है संधि यहाँ पर आपके सामने हमने रखा, और यहाँ से आपके प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, वो आपके प्रश्न का बहुत ही नाम मात्र में मात्र 1% की उम्मीद है कि वो आ जाए, लेकिन आपका प्रश्न यहाँ से बनता है, समझ रहे हैं ना, प्रकृति भाव संधि से आपका प्रश्न यहीं से उठेगा यदि पूछेगा तो, क्लियर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज हम आपके सामने स्वर संधि में आपके 8 संधियों के बारे में आपसे चर्चा की, जो कि आपके संस्कृत में 8 संधि हैं स्वर में, क्लियर। अब इसके बाद हम आपको कल जो है व्यंजन संधियों के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने साथी मित्रों को उनको उनकी ग्रुपों में भेज दीजिएगा ताकि वो भी लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं अगले भाग में,
अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।